मैं चूंकि जिस शख्स ने इतने इतने बड़े मुशायरे का एहतमाम किया, तमाम शायरों को बुलाने का काम किया, मैं चाहता हूं कि चूंकि वो भी शायरी करते हैं सिकंदर नाज भाई, उनको मैं इन चार मिसरों से बुलाता हूं। उसके बाद चांदनी शबनम की तरफ चलूंगा और इमरान भाई के लिए हम लोग माहौल बना रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए। मैं चार मिसरों से सिकंदर नाज भाई को आवाज़ देना चाहता हूं कि जब आसमान तीर चलाने पे आएगा, हर आदमी का नाम निशाने पे आएगा। जब आसमान तीर चलाने पे आएगा, हर आदमी का नाम निशाने पे आएगा, और जिसको बुला बुला के सभी लोग थक गए वो आएगा तो मेरे बुलाने पे आएगा। सिकंदर नाज माइक पर। आप इत्मीनान रखें, आपके दिल की बात भी होगी, थोड़ा सा इत्मीनान रखें आप लोग। चलिए सिकंदर भाई पढ़िए। एक्चुअली थोड़ी देर मैं खामोश हो जा रहा हूँ, सामाइन खुद खामोश हो जाएंगे, वो सोचेंगे मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। देखिए, थोड़ी मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि मैं इमरान भाई जिस मुशायरे में होते हैं, और यह जब इत्तेफाक होता है कि जब हम किसी बड़े शायर को कांटेक्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका एक यही सवाल होता है कि और कौन लोग आ रहे हैं। हम बोलते हैं भाई देखिए आप आइए, कौन लोग आ रहे हैं उससे आपको क्या मतलब है, तो नहीं जरा सा बता देते तो बेहतर होता। तो हम बोले इमरान भाई आ रहे हैं, बोलता हम नहीं आएंगे। इमरान भाई का नाम सुनने के बाद पता नहीं बहुत सारे शोरा अकराम हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो बीच बीच में फ़ोन करके हमको मुझे डांटने लगते हैं कि तुम स्टेज पर खड़े होकर मेरे नाम की बदनामी करते हो। बहुत सारे ऐसे शोरा है इमरान भाई का नाम सुनने के बाद नहीं आते हैं, चूँकि और भी दूसरे बड़े बड़े शोरा थे, हम लोग उनको लाना चाहते थे, लेकिन इमरान भाई की मकबूलियत से पता नहीं कौन सी खलिस पैदा हो गई है उन शहरों के दरमियान। और रही बात इमरान भाई की, तीन महान भाई की शोहरत तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जिस शख्स का सोशल मीडिया में फेसबुक पर इमरान प्रतापगढ़ी का आज के नौजवान प्रोफाइल पिक्चर बनाते हैं, तो उस इमरान प्रतापगढ़ी की शोहरत को कौन रोक सकता है। जो रिंगटोन में इमरान प्रतापगढ़ी की गाई हुई गजलें गाई हुई नज़मों को रिंगटोन बनाते हैं, उस इमरान प्रतापगढ़ी की शोहरत को कौन रोक सकता है। दोस्तों, ये इमरान प्रतापगढ़ी हमारे आपके दरमियान, ये हमारी खुशनसीबी है। रही बात कि थोड़ी सी गुफ्तगु मैं आपसे कर लूँ, दो चार शेर मैं भी पढ़कर कुर्बान हो जाइए आप भी, मुशायरे के शोराओं की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवा लूँ। चूँकि मुजीब भाई आए हुए हैं, YouTube में डाउनलोड करेंगे लोग, मुझे भी पढ़ेंगे, शायद कभी मेरी भी लॉटरी लग जाए, इस उम्मीद के साथ। देखिए, मैं इमरान भाई के लिए खास तौर पर यह, मैं जब तक जिंदा रहूँगा और जब तक मैं मुशायरे का अहतमाम करता रहूँगा या फिर दूसरे मुंतजमीन हमसे मुशायरा करवाते रहेंगे, तो मैं इमरान भाई के लिए ये शेर सारी ज़िंदगी पढ़ता रहूँगा। सबसे पहले मैं खुर्रम खान राजू खान का शुक्रिया अदा कर दूं, जिन्होंने टीटागढ़ यूथ फोरम के बैनर तले आज इतने बड़े मुशायरे का अहतमाम किया है। मैं अपनी तरफ से, अपने शोराओं की तरफ से उनका इस्तकबाल करता हूं, उनके लिए आप लोगों से भी मैं ख्वाहिश जाहिर करता हूं कि आप उनके लिए थोड़ी सी तालियां बजा दें। मेरे दोस्तों, इमरान भाई से चाहे लोग जो जितने लोग जलने वाले जलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस बहुत सारी बातें हैं, मैं चार मिसरे इमरान भाई के लिए मैं उन्हीं के फेसबुक आईडी से मैंने निकाला, ये मेरा शेर नहीं है। मैं ये साहब कह दे रहा हूँ, मेरा शेर नहीं है कि झूठी नवाजिशात की बारिश फजूल है, झूठी नवाजिशात की बारिश फजूल है, तुझको जलील करने की साजिश फजूल है, तेरा कदम कदम पे मददगार है खुदा, वो तो इज्जो मंतसा, वो तो जिल्लो मंतसा, वो तो इज्जो मंतसा, वो तो जिल्लो मंतसा। आइए हजरात, तमाम सामाइन का शुक्रिया अदा करते हुए अपने हमारे मेहमान शोरा, हमारे मुकामी शोरा सभी यहाँ पर, बस सिर्फ मैंने सिर्फ
इनविटेशन कार्ड में इन लोगों का नाम दिया था, मैंने कभी इन लोगों को फोन करके बोला भी नहीं कि आप मद्दऊ हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमने कार्ड में नाम दिया और फेसबुक पर अपलोड किया और हमारे तमाम शोराओं शायरात ने हामी भर ली। ये में हमारी खुशकिस्मती है मेरे दोस्तों। आइए मैं थोड़ा सा दो चार मिनट आपका मैं भी ले लूं। एक चार मिसरे मैं आपको सुना दूं कि मुर्दा इमरान मुर्दा जमीर वाले की है बात ही अलग, मुर्दा जमीर वाले की है बात ही अलग, जो कुछ न मिल सके तो ईमान बेच दे, जो कुछ न मिल सके तो ईमान बेच दे, और कुर्सी पे जमे रहने की जो शर्त मान ले फिर कोई शक नहीं वो हिंदुस्तान बेच दे, फिर कोई शक नहीं वो हिंदुस्तान बेच दे। और चार मिसरे यूं अर्ज किया है कि हम कसम खाएं फसादात न होने देंगे, हम कसम खाएं फसादात न होने देंगे, हिंद में खून की बरसात न होने देंगे, अर्ज़े बंगाल तेरी अजमत व यक्ता की कसम, हम तेरे खित्ते को गुजरात न होने देंगे, हम तेरे अर्ज़े बंगाल हम कसम खाएं फसादात न होने देंगे, हिंद में खून की बरसात न होने देंगे, अर्ज़े बंगाल तेरी अजमत व यक्ता की कसम, हम तेरे खित्ते को गुजरात न होने देंगे। और गजल का मतलब यूं अर्ज किया है कि देखिए मैं तो कोई मुकम्मल शायर भी नहीं हूँ और बराबर मैं शायरी भी नहीं करता, लेकिन मुशायरा करवाते करवाते शायरों की सोहबत में पुरानी कुछ यादें ताज़ा हो जाती हैं, और जो है कि कुछ औराक उलटने के बाद कुछ बचे कुछ आसार मिल जाते हैं, जिसमें एक बहुत पुरानी मेरी गज़ल है, मैं उसी को सुनाते रहता हूं। अब ये पता नहीं हमारे जो तमाम शोरा हैं शायरा थे ये लोगों से मुलाकात होती रहती स्टेज पर, ये लोग सुनते ही रहते हैं, आप सुन लीजिए, बड़ा मज़ेदार मज़ेदार शेर है, दो शेर उसमें इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगा। कि तवायफ का दोपट्टा आंसुओं से तर नहीं होता, तवायफ का दोपट्टा आंसुओं से तर नहीं होता, ये वो औरत है जिसका कोई शौहर नहीं होता, ये वो औरत है जिसका कोई शौहर नहीं होता, और तुम्हारी बेहिसी ही ने तुम्हें मजबूर रखा है, तुम्हारी बेहिसी ही ने तुम्हें मजबूर रखा है, कहा किसने कि काले नाक का मंत्र नहीं होता, कहा किसने कि काले नाक का मंत्र नहीं होता, हमें मालूम है कौन कहां पर कौन सा शेर लगता है। एक आप नया शहर को भी हम लोग ट्राई करते हैं, आइए आप इस शेर से जुड़ जाइए। मैं माजरत के साथ हमारी खातिन बहनें हमारी माएँ यहाँ बैठी हुई हैं, हमारे दोस्त हमारे नौजवान दोस्त हमारे बुजुर्ग हमारी, इस शेर पर मैं आप तमामी हजरात का खास तौर से तवज्जो चाहूंगा कि हर एक अनजान चेहरे से जरा मोहतात ही रही है, तवायफ का दोपट्टा आंसुओं से तर नहीं होता, ये वो औरत है जिसका कोई शौहर नहीं होता, हर एक अनजान चेहरे से जरा मोहतात ही रहिए कि भाभी कहने वाला हर कोई देवर नहीं होता, कि भाभी कहने वाला हर कोई देवर नहीं होता, और खुदा का शुक्र है हर शख्स मुझ पर जान लुटाता है, खुदा का शुक्र है हर शख्स मुझ पर जान लुटाता है, सिकंदर नाज लिया हाथों में खंजर नहीं होता। शुक्रिया खुदा।